नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों आज एक और मैं मजेदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो है श्रमिक कार्ड की योजना निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना। इस योजना का फायदा आप तब उठा सकते हैं जब आप श्रमिक कार्ड बना चुके हो, उसके बाद इस योजना के लिए आप अप्लाई कर दें। अगर अभी तक आपने श्रमिक कार्ड नहीं बनाया तो इस वीडियो के दिए गए अंतिम वीडियो को आप जरूर देखें और उसे देख के आप जान पाएंगे कि श्रमिक कार्ड कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि निर्माण श्रमिक जीवन व सुरक्षा योजना के बारे में पात्रता, कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, हित लाभ, समय सीमा, दस्तावेज व ई मित्र पर इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया, इन सभी पॉइंटों पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में दिखाई दे रहे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके और हमारा वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना। अब इस योजना के लिए पात्र कौन कौन है, कौन कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है? तो फर्स्ट है हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर अटल पेंशन योजना, इन तीनों में से किसी भी योजना के लिए उसने आवेदन किया। दूसरा, उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं के अंशदान काटने की अनुमति अपने संबंधित बैंक को दी हो। इसके अतिरिक्त स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इस योजना के लिए वार्षिक अंशदान प्रीमियम राशि की कटौती कराई हुई हो। इस योजना तीनों के बारे में वो कटौती यानी कि इसकी किस्त लगातार बढ़ रहा हो, वही इस योजना के लिए पात्र हैं, जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर अटल पेंशन योजना, तीनों में से किसी भी योजना के लिए आवेदन कर चुका हो और इसका अंशदान नियमित रूप से वो बैंक के माध्यम से कटवा रहा हो, वही इस योजना के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त कोई इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अब बात करते हैं ई मित्र से आवेदन करने के लिए इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या निर्धारित किए गए। तो फर्स्ट है हित अधिकारी के बैंक खाते की पासबुक का संबंधित मुख्य पृष्ठ, जिस पर उपभोक्ता, मैंने जो तीन योजना अभी आगे बात की उसका अंशदान की कटौतियां करवाई हो तो उसकी प्रतिलिपि। दूसरा है हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रतिलिपि। इसके अतिरिक्त बैंक के पासबुक की प्रतिलिपि, ये सब डॉक्यूमेंट हैं जो इस योजना में आवेदन करने के साथ आपको संलग्न करने। इसके अतिरिक्त भरा हुआ आवेदन फॉर्म भी सबमिट करना होगा। अगर आपके पास इसका फॉर्म नहीं है तो मैं डाउनलोड लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा, जहां से आप इस योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। और अभी तक आपका श्रमिक कार्ड जारी नहीं हुआ है, अभी तक आपने श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है, तो दोस्तों मैं आग्रह करता हूँ कि इसके दिए वीडियो के अंत में दिए गए वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि नए श्रमिक कार्ड के लिए किस प्रकार से आवेदन करते हैं, क्या दस्तावेज है, क्या योग्यता, पूरी जानकारी दी है, तो उसको एक बार जरूर देख लें। तो ये थे दोस्तों इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, देखते रहें, मैं आगे और भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस योजना के लिए ऑनलाइन ई मित्र पर आवेदन करते हैं, क्या क्या पात्रता है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहे। अब बात करते हैं आवेदन की समय सीमा। इसकी समय सीमा क्या है? इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, आप वर्ष में कभी भी जब भी चाहे इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि आप उस समय आवेदन करें या ये कोई विशेष समय हो, ऐसा कुछ इसकी योजना के लिए नहीं है, आप मन चाहे जब आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हित लाभ, इसके अंदर क्या क्या लाभ है। तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर आपने किया है तो बीमित की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की राशि आपको दी जाएगी। जीवन ज्योति बीमा है तो भी 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, लेकिन इसमें जरूरी है कि आप इसका प्रीमियम जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 12 और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का 165 रुपये का आपने भरा हो तो ये फायदे आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अटल पेंशन योजना,
सदस्य की आयु 60 वर्ष होने पर 1000 से 5000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी अगर आपने अटल पेंशन योजना में आवेदन किया है। दोस्तों अगर आप अटल पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं एक वीडियो दे दूंगा, उसको आप जरूर देखें। इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ कि अटल पेंशन योजना आखिर है क्या। बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1000 से 5000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। तीसरा, भामाशाह निर्माण श्रमिक बीमा योजना। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75000 रुपए, स्थायी रूप से अशक्त होने पर 75000 रुपए, इसके स्थायी अपूर्ण मतलब आंशिक रूप से अगर विकलांग हो जाता है 37500, अगर मृत्यु हो जाती है तो 30000 रुपए आपको दिए होते सामान्य मृत्यु पे। तो ये दोस्तों भामाशाह निर्माण श्रमिक बीमा योजना के फायदे हैं। मंडल द्वारा 100% प्रीमियम राशि का भुगतान कर सभी हितधारकों को बीमा करवाया जाता है। इसके अंदर आपको कोई राशि नहीं भरनी है, पूरी की पूरी राशि है वो मंडल द्वारा इसके भरी जाएगी, श्रम विभाग द्वारा आपकी भरी जाएगी। और अटल पेंशन योजना का आपको 50% मंडल द्वारा भरा जाएगा। जीवन ज्योति बीमा 165 है तो उसका 50% मंडल द्वारा भरा जाएगा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पूर्ण राशि जो 12 रुपये वो के वो मंडल द्वारा यानी श्रम विभाग द्वारा आपकी दे दी जाएगी। तो इसके आपको पूरे पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद आवेदन करते हैं इस श्रमिक कार्ड के बिना तो आपको इसकी पूरी राशि जमा करें, लेकिन इसके अंदर सरकार कुछ फायदे देती है जो श्रम विभाग इसकी राशि की जमा करवाता है, आपका अंशदान जमा कराता है। तो ये हैं इसके हित लाभ, ये लाभ आप इस योजना के तहत आवेदन करके आप उठा सकते हैं। तो इस के बारे में जरूर ध्यान दें दोस्तों। ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इस योजना के क्या फायदे हैं, तो इसको आप मिस ना करें, इसको सही तरीके से समझें और इस योजना में आप निवेश जरूर करें जिससे आपको आने वाले समय में फायदा हो सके। अब बात करते हैं इसके ई मित्र से आवेदन प्रक्रिया की। दोस्तों सबसे पहले ई मित्र पर जाना है, लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे ही यूटिलिटी सर्विस पे आप क्लिक करेंगे ये आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको एडवांस सर्च ऑप्शन का चयन करना है। जैसे ही आप एडवांस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एडवांस सर्च ऑप्शन शो होगा। फर्स्ट वाले में आपको यूटिलिटी सर्विस का चयन करना है, सेकंड के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर पे जाना है आपको। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो श्रम विभाग है वही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आपको श्रम विभाग पे जाना है। फिर इसके अंदर सर्विस जो है, बहुत सारी सर्विस है लेबर डिपार्टमेंट की, तो आपको लेबर अप्लाई फॉर स्कीम फॉर्म का चयन करना है। तो जैसे इसका चयन करके आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्क्रीन पर दिखाए अनुसार, तो आपको स्क्रीन श्रम विभाग पर जाने के लिए अनुमति मांगी जाएगी। तो आपको ओके पे बटन पे क्लिक करना है और सहमति देनी है कि मैं हाँ मैं उस पोर्टल पे जा रहा हूँ। तो आपको ओके पे बटन पे क्लिक करते ही आप श्रम विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। पहुँचते कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, तो आपके फर्स्ट ऊपर दिखाई निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, तो आपको इसके अंदर ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो गया तो स्कीम डिटेल के अंदर कुछ डिटेल बता रही है और नीचे है बेसिक डिटेल, तो आपको यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल फीड करनी है। बेसिक डिटेल में बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर, श्रमिक कार्ड के नंबर, भामाशाह आधार कार्ड, बैंक मोबाइल नंबर और ऑफिस वगैरह सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊपर जो एक नंबर पॉइंट है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे श्रमिक कार्ड नंबर कहते हैं, जो आपका श्रमिक कार्ड बन के आए उसके ऊपर अंकित है वो दर्ज करने। आर यू परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ राजस्थान, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, यस है तो यस, नो है तो नो, या ज़्यादातर यस ही करना है। भामाशाह नंबर, जो भामाशाह नंबर दर्ज करने हैं। दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन बेनिफिशरी की डिटेल भरनी है। उसके बाद कैंडिडेट नेम आ जाएगा जो ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करना है, फिर उसके आधार कार्ड नंबर, फिर उसके सेल फोन मोबाइल नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जैसे आप सुमेरपुर आप पाली जिले से मान लो तो आपको यहाँ नीचे पाली दर्ज करना, आप जालौर जिले जालौर, जोधपुर से तो जोधपुर, जो भी आपका जिला है, जो भी श्रम विभाग आपका पड़ता है वो आपको यहाँ नीचे चयन करना है। तो ये लगातार आपको पॉइंट फिलअप करने हैं। इसको फिलअप करने के बाद आपको ड्रैग करते हुए नीचे जाना है। जैसे नीचे जाएंगे तो इसके अंदर एक आपको बैंक डिटेल से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी, इसके अंदर बैंक अकाउंट नंबर, तो आप सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर ध्यान रखें दोस्तों, इसके अंदर आपको सब डिटेल कैपिटल लेटर में भरनी है और पूर्ण रूप से बैंक में दर्शाए अनुसार ही भरनी है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम,
बैंक आईएफएससीआई कोड, फोर्थ में एमआईसीआर कोड, फिर बैंक अकाउंट नंबर, फिर बैंक एड्रेस पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद दोस्तों आपको नीचे हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र की प्रतिलिपि फर्स्ट वाले ऑप्शन में, सेकंड के अंदर हिताधिकारी की पासबुक, थर्ड के अंदर बैंक खाते की पासबुक का संबंधित प्रूफ जिस पर योजना का अंशदान, जैसे जो भुगतान हमने किया है उसके जो पेज है जहाँ पे उसकी किस्तें काटी गई है उसकी फोटो प्रति भी आपको संलग्न करनी, फिर भरा हुआ फॉर्म और पिछले 12 माह का हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का प्रमाण पत्र जिसका फॉर्मेट आपने जब श्रमिक कार्ड बनाया था तब आपके पास बना हुआ होगा। दोस्तों ये थी ई मित्र पे आवेदन करने की प्रक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे आवेदन कर रहे हैं तो आप SSO पोर्टल के माध्यम से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करना है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए सबका धन्यवाद। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में दिखाई दे रहे बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूले। दोस्तों सीधा सा कारण है कि मैं बहुत ही मज़ेदार वीडियो लाता हूँ, देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा, तभी आप मेरे वीडियो जो भी मैं नए अपलोड करूँगा वो आप देख पाएंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारा वीडियो श्रमिक कार्ड के बारे में जो वो नहीं देखा है वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छे कमेंट और रिएक्शन मिल रहे हैं मुझे उससे, तो उसको वीडियो के अंत में मैंने दिखा दिया है, इसको आप क्लिक कर लो और इसको देख लो। इसके अतिरिक्त अटल पेंशन योजना का वीडियो भी मैं पास में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी क्लिक करके देख लो और 20 में दिखाई दे रहे गोले पर भी क्लिक कर लो। तो बाय बाय दोस्तों, ये था वीडियो श्रमिक कार्ड योजना के बारे में। तो दोस्तों जल्द ही मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे ई मित्र हेल्प वीडियो और जुड़े रहे हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई योजना और एक नए वीडियो के साथ।